गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 4 बजे हुए और अभी हम लोग उठे हैं। कल चेक इन किया, पहले आप रूम टूर देख लो और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द एंट्री ऑफ द रूम गाइस। ये कुछ ऐसा दिखता है। ओह, टू स्प्लिट बेड्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये टी कॉफी का सेक्शन है। उसी के नीचे लॉकर भी दिया हुआ है। यहाँ पे अलमीरा नहीं है लेकिन सामान रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। एक डेस्क है, थोड़ा सा वर्क स्पेस, और एक चेयर लगी हुई है। ये एसी कंट्रोल का बटन लगा हुआ है। और दिस इज द विंडो एंड दिस इज हाउ द बेड लुक्स। स्प्लिट बेड से अच्छा, थोड़ी सी प्रिवेसी हो जाती है, सोने में कंफर्टेबल हो जाता है। एक छोटा सा ये सोफा दिया हुआ है। आई थिंक रूम का साइज थोड़ा सा पतला है, लंबा है। दिस इज मी गाइज, व्हाट्स अप। पतला है, लंबा है, डिसेंट सा रूम है। नॉट दैट ग्रेट एंड नॉट दैट बैड ऑल्सो। यहाँ से कुछ ही ऐसा दिखता है। और नाइस नाइस, ठीक है। अब हम चलते हैं बाथरूम की ओर। ये है बाथरूम की एंट्रेंस। ओई, ये तो बहुत पतला है भाई। ये संडास है, ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे ग्लास, मॉइस्चराइजर, साबुन। दिस इज द मिरर, और ये आपका भाई। और यहाँ पे हेयर ड्रायर रखा हुआ है एक। वो मिरर पे अच्छी लाइट लगी हुई है, नो डाउट अबाउट इट। नाइस। और ये शावर का एरिया है, यहाँ पे भी। अच्छा, डव कंपनी के वो रखे हैं, शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश। दिस इज आउट। उसके नीचे एक सेक्शन है जहाँ पे ये डेंटल किट वगैरह, साबुन वगैरह, टॉवल वगैरह सब रखा है। सो या, दिस इज द बाथरूम स्पेस एंड देख लिया रूम टूर। हम सुबह 4 बजे उठ गए बिकॉज हमारा कॉल टाइम है ऑन सेट। हमें 5:30 पहुँचना था पाजी। हाँ जी, 5:30 बजे हमें ऑन सेट पहुँचना है। सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब काम के लिए ऑब्वियसली उठना ही पड़ता है। सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि ना यार, फ्रेश फ्रेश नहीं हो जाता अच्छे से एकदम से, क्योंकि बॉडी क्लॉक को आदत होती है 7, 7:30, 8 बजे उठने की। और जब 3-4 घंटे पहले उठना पड़े ना तो थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। बट वी ट्राई आर बेस्ट कि उठ के फ्रेश होके आराम से सेट पे पहुंचा जाए। एंड आज का जो शूट है वो एक बहुत ही बढ़िया और स्पेशल लोकेशन पे है, जहाँ पे मैंने अक्सर सुना है लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। दैट इज पटौदी पैलेस। या यू हर्ड इट राइट, दैट सैफ अली खान की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आज हमारा शूट है। इंडोर शूट होने वाला है। एंड आई एम ऑल्सो टू एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मैंने भी बहुत सुना है इस प्रॉपर्टी के बारे में। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो एंड विजिट दिस प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज। फिलहाल के लिए उठे हैं, मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, पाजी चाय पी रहे हैं, चिलिंग एज ऑफ नाउ। एंड वी हैव टू लीव बाई 5 o'clock। तब कैब वैब सब आ जाएंगे। तब तक सो गए थे हम लोग टाइम से। हम लोग सो गए थे कल। आई थिंक मैं तो 10:45 सो गया था ना। हाँ, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि आपने मेरे को एक दो आवाजें मारी थी, मारी थी आवाजें मैंने, है ना? और आपने इग्नोर किया मेरे से। इग्नोर नहीं, मैं उस वक्त ना एक ट्रांजिशनल फेज में भाई था। साहब, बड़े तेज हो आप आवाज आ रही है। नहीं, जानबूझ के इग्नोर किया। मैं ना ट्रांजिशनल फेज में था उसमें, कि मैं एकदम नींद में जाने वाला हूँ, ऐसे वाला नहीं होता, एक फेज होता है, तो उस फेज में था। तो ओके, हमारे होटल से पटौदी पैलेस पहुंचने में लगता है 1 घंटा। एंड दिस इज द एक्सटीरियर व्यू ऑफ द पटौदी हाउस। ये लेफ्ट पे जो आप देख रहे हैं कवर किया, ये ग्लास हाउस है। दिस इज़ द गार्डन, वो पीछे पटौदी पैलेस है। राइट साइड पे भी एक पूरा का पूरा ग्राउंड है प्रॉपर। ये अब थोड़ा मैं अंदर की तरफ आ गया तो मैंने आपको एक डिफरेंट एंगल से जो दिखा रहा हूँ पटौदी पैलेस, ये पूरा पटौदी पैलेस का गार्डन है यार। एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। और अर्ली मॉर्निंग तो मतलब मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे। एंड सबसे अच्छी बात है, चिड़िया, तोते, काफ़ी सारी बर्ड्स थी यहाँ पे। आप ये थोड़ा सा और क्लोज लुक है पटौदी पैलेस की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंदर जाने जाना तो अलाउड था लेकिन अंदर जाके शूट करना अलाउड नहीं था। ये भी कुछ फुटेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने चोरी छुपे लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, दिखने में वाइट कलर का है। एंड एनी वेज इट्स लाइक अ हिस्टोरिकल प्लेस, और उतनी अच्छे तरीके से अंदर से मेंटेन नहीं किया हुआ था लेकिन ठीक ठाक से मेंटेन किया हुआ था। मोस्टली हमारा जो शूट चला था वो एक्सटीरियर में चला था। इंटीरियर में भी कुछ सीन्स लगे थे लेकिन वो आपको सीधा का सीधा फिल्म में ही देखने को मिलेंगे। मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स या फुटेज लगा नहीं सकता। एवरी मॉर्निंग टिल द टाइम वी आर शूटिंग वी यूज टू कम हेयर एंड इन द मॉर्निंग इट यूज टू बी सो 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 फ्रेश। पर जैसे ही धूप निकलती थी ना तो एक हल्की सी गर्माहट होती थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी। अब ये पटौदी पैलेस की दूसरी साइड पे एक छोटा सा ऐसे, आई थिंक ये सर्वर क्वार्टर्स टाइप बनाए हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो एक से अलग सा एरिया है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। आई थिंक ये स्टाफ के क्वार्टर्स मुझे लग रहे थे। गुड नाइस डिकोर था इसका भी। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये पटौदी पैलेस का क्रिकेट ग्राउंड है। ट्रस्ट मी गाइस, हम लोगों ने बहुत क्रिकेट खेला। ये देखो उसके कुछ शॉट्स। ये पूरा ग्राउंड है पटौदी पैलेस के अंदर, पूरा इधर क्रिकेट पिच बनी हुई है। तो पेड़ की जो बाउंड्री बनी हुई है ना, इसके पीछे पूरा का पूरा पटौदी पैलेस है। फिलहाल के लिए आप इंजॉय करो क्रिकेट। Thank you.
आई फाइनली गॉट दिस एंड वी रियली थॉट दैट हमारा हो गया है बहुत बड़ा, बट बिकॉज यस्टरडे वी वर टॉकिंग एंड शी सेड कि मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स बुक किए थे एंड इट इज सपोज टू बी अ फेक वेबसाइट बट नॉट, आई रीच आई गॉट द फ्लावर्स पर एक दिन लेट मिले हैं. थैंक यू कोको. What's up guys, good morning. So I don't know which day it is but one of those days, in between days, जहाँ पे हम लोग शूट चल रहे हैं और शूट चलता रहेगा. हमारा दिल्ली वाला पोर्शन निपट गया है, अब हमें निकलना है पंजाब के लिए क्योंकि हमारा शूट नाभा करके एक शहर है, वहाँ पर 3 दिन का शूट है तो उसके लिए हमें निकलना है. एंड वी आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बट स्टेशन तक जाने के लिए प्रोडक्शन ने एक वॉल्वो बस बुक की है और जो वॉल्वो बस का टाइम है नीचे होटल लॉबी से पिक करने का वो है 2:30 और इस वक्त हो गया है 2:25. आई हैव 3 bags बाय द वे. सो अभी मैंने किसी को बुलाया फ्रॉम द होटल स्टाफ टू हेल्प मी विद द लगेज एंड हम यहाँ से निकलेंगे पहले स्टेशन. मैं इसलिए थक गया हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है. आई स्लेप्ट अराउंड 10:30 एंड वो कब 2:00 फटाक से नहाया हूँ, फुल ऑन रेडी हूँ बस. प्लस मेरी लॉन्ड्री दी हुई मैंने यार अभी तक नहीं आई है, मतलब एक दिन से ऊपर हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर चेकआउट. पता नहीं नीचे जाकर फिगर आउट करता हूँ क्या सीन है. लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज 3 days एंड आफ्टर दैट आई एम गोना कम बैक टू दिल्ली एंड स्टे विद माय पेरेंट्स फॉर सम टाइम एंड देन आई एम गोना गो बैक टू मुंबई. मरिया हाय. हाय, व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप. गोइंग टू चंडीगढ़ इन दिस बुलेट ट्रेन. बुलेट ट्रेन which I'm so excited for. Bullet bus sir, this is bullet bus. Baji, we are ready to leave. Where leave? This is railway station aur kahan pe jayenge hum. We are going to railway station. This is our Volvo bus. Hum isme ja rahe hain baith ke pehle station tak aur uske baad aage train and then again a Volvo bus. हाँ भाई, क्या लग रहा है? अभी तो पहुंच गया. टाइम पे है भाई, ट्रेन में बैठेगा. आप तेरा भाई चाय पिएगा ट्रेन में. All right guys, we have started the train. भाई बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, बहुत ही बढ़िया सीट्स हैं. इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत. These are the seats. These are new fabric. एकदम से. These are tray. Proper यहाँ पे एक section है. कुछ भी bottle वोटल पानी की रखने का. And they are very clean. ये नई, I think ये नई चली है. यो गुरसेवक. One two eight. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना. अच्छी ट्रेन है. अच्छी बहुत अच्छी ट्रेन. No doubt यार. मुझे बैठने तो देखो. दो कुकीज मिली डाइजेस्टिव. थैंक यू. सो फाइनली द ब्रेकफास्ट इज हियर. ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे, कुलचा, छोले, आलू टिक्की, एक चोको पाई और एक एप्पल जूस. बहुत ही टेस्टी था, मेरे पेट भर के. ओके गाइस, वी हैव रीच्ड चंडीगढ़ एंड दिस इज आवर बस विच विल टेक अस टू आवर होटल विच इज इन पटियाला. कोई सी से नाम है. ये हमारी पूरी टीम जा रही है और सामान सामून रखते हैं. सूटकेस इतना भारी है कि पूछो मत. हवा आनी शुरू हो गई है. अब नींद खुल गई है यार, सोए नहीं. मैं तो ठीक से सोया भी नहीं हूँ, बस ऐसे ही आ गया था. नाइस बस, चलो कम से कम बस तो ठीक है. सामान रखवाते हैं पहले. चंडीगढ़ 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 पटियाले 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 चंडीगढ़ ही है. जुहू जुहू जुहू. सो गाइस, वी हैव रीच्ड एंड दिस इज आवर रूम. आइए आपको देते हैं रूम टूर. दिस इज व्हाट माय रूम लुक्स लाइक. यहाँ पे 2 सिंगल बेड लगाए हुए हैं. नाइस, अच्छा है, थोड़ी सी सोने में कंफर्टेबल रहता है. बैक रेस्ट है, उधर एक चेयर दी हुई है बैठने के लिए और साथ ही एक छोटा सा टेबल लगाया हुआ है. यहाँ पे एक छोटा सा वर्क डेस्क दिया हुआ है, दैट्स ऑल्सो नाइस. स्पेशियस रूम है, सामने टीवी लगेला है,
इधर जो है आपका टी कॉफी स्टेशन ये बना हुआ है पूरा, ये भी अच्छा है। नाउ दिस इज मच बेटर रूम देन दी अदर होटल दैट वी वर स्टेइंग इन गुड़गांव। हॉलीडे इनसे तो अच्छा ही रूम है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे सामान रखने की जगह, ये कबर्ड है, नाइस गुड। कम से कम सामान आराम से हम रख सकते हैं इसके अंदर, आराम से इसमें सामान आ जाएगा। वॉशरूम देखते हैं भैया, दिस इज द वॉशरूम, ये है बेथिंग वाली साइड एंड दिस इज द पॉट, नॉट बैड डिसेंट। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, उसके बाद जो है सोऊंगा पहले आराम से, या फिर पहले नाश्ता करूंगा, कन्फर्म नहीं है। आज का रेस्ट है, कल से हम शूट करेंगे, तीन दिन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। देन वी आर डन विद दिस शेड्यूल ऑफ द शूट। सो गाइस दिस इज आवर शूट लोकेशन, दिस इज इन नाबा। एवरी डे हम लोग यहाँ पे तीन दिन हमने शूट किया, और एवरी डे हमारा जो कॉल टाइम था वो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock का था, बिकॉज 6 to 7 तक हमें रेडी होना पड़ता था, और 7, 7:30 तक ना सनलाइट आ जाती थी प्रॉपर, अदरवाइज ऐसी धुंध सी रहती थी, और 7, 7:30 रेडी होते हमारा शूट स्टार्ट हो जाता था। सो ये एक हवेली है वहाँ पे नाभा में, वहाँ पे शूट होता है, ये सारे एक्टर्स यहाँ बैठे और अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। ये एक बड़ी लाइट लगा रखी होती है, जब आता नहीं ना तो इस बड़ी लाइट से काम चला जाता है। हवेली के सराउंडिंग का एरिया ठीक सी, सॉरी उठा ना, खेती खेत थे, और सुबह सुबह तो बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठंड थी वहाँ पर। ये देखो यार, एक ये दूसरे एंगल से, दूसरे पोर्शन ऑफ द हवेली से मैंने ये शॉट लिया। आप खेत देखो, क्या हरियाली है, मतलब क्या ब्रिलियंट हरियाली है, जस्ट ब्यूटिफुल यार। इतनी फ्रेशनेस थी ना एयर में, इतनी फ्रेशनेस थी। ये अस्तबल बैठ रही जो दिख रहा आपको, रेड कलर और येलो कलर का कुछ ही लगा हुआ है वहाँ पे, इतनी फ्रेशनेस थी कि पूछो मत। और इस हवेली को एंटर करने के लिए तीन रास्ते से, एक पूरा लेफ्ट में जो गया, एक इस ये जो दीवार है इसके पीछे एक रास्ता है, और एक रास्ता है राइट हैंड साइड पे बिल्कुल। तीन दिन यहाँ शूट करते करते कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू ऑफ द हवेली। ये जो हवेली है बहुत फेमस हवेली, यहाँ पे कई सारी पंजाबी फिल्म्स का भी शूट चलता है। सो दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ द हवेली। अंदर पूरा सारे लाइटिंग इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें रखने का स्पेस भी है। और ये राइट साइड में आप देखो, आप व्यू देखो, वो देखो इफ यू सी क्लियरली ना, सनसेट हो रहा है वो पेड़ों के बीच में, इफ यू कैन सी दैट। और भाई सनसेट और सनराइज इतना ब्यूटीफुल लगता है हवेली की छत से कि पूछो मत। एवरी डे वी एंजॉयड इट। से यार, ये हवेली के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है भाई, मतलब एक होता ना कि जब हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि उसका अगर इतना बड़ा घर हो तो उसके सामने एक ऐसा बड़ा पेड़ हो तो बड़ा एक अच्छी फीलिंग आती है, और बहुत छाया सी हो जाती है पूरे के पूरे घर में। तीन दिन शूट के कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं लगा, बट वी हैड अ रियली गुड टाइम शूटिंग इट। हमारी रैप अप पार्टी भी हुई थी, शेड्यूल रैप अप पार्टी भी हुई थी, उसमें बहुत इंजॉय करा। द नेक्स्ट डे आई बुक्ड माय ट्रेन टू गो टू दिल्ली एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग इन गुड़गांव विद माय पेरेंट्स फॉर लाइक 4 to 5 days एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू बी लीविंग फॉर मुंबई। सो दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट। आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय।